दोस्तों एसएससी जीडी 2024 का जो फाइनल कट ऑफ है, फाइनल मेरिट है, वो कितना बढ़ेगा सभी राज्यों का बताएंगे, राज्य वाई और कास्ट वाई बताएंगे। इस वीडियो में लगभग सभी राज्य हम कवर कर देंगे। आपका कोई भी राज्य है तो फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, जर्नल की बताएंगे, ओबीसी की बताएंगे, एससी की बताएंगे, एसटी की, ईडब्ल्यूएस की। ध्यान से देखो, जो हमारा कट ऑफ है जो एक्सपेक्टेड है, अनुमान है, देखिए दोस्तों लगभग मैं आपको बता सकता हूँ 80% सही हो सकता है। एक डाटा हमारे इकट्ठा किया, आपको बताएंगे हमारा जो कट ऑफ है, जो हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताएंगे, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। अगर आपको सही लगता है तो सही लिख देना कमेंट में, अगर लगता है कि नहीं ऊपर नीचे हो सकता है तो ऊपर नीचे लिख सकते हो, अगर आपको लगता है कि फर्जी है तो फर्जी भी लिख सकते हो, आपके मन में जो आए कमेंट में जरूर बताना। देखिए कितनी कट ऑफ रहेगी सभी राज्यों की बताऊंगा, तो अपने अपने राज्य की देख के जाइए। तो सभी राज्य मैंने कवर किए, यूपी से लेके, राजस्थान से लेके, जम्मू कश्मीर, असम, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सब राज्य, ठीक है, पंजाब हो जहाँ, हिमाचल प्रदेश हो जहाँ हो, मध्य प्रदेश। सबसे पहले हमने जो राज्य कवर किया है वो है दोस्तों असम। अगर आप असम से आते हो, देखिए पहला जो कट ऑफ गया है आपका फिजिकल के लिए गया था वो बताते हैं, उसके बाद फाइनल कितना जाएगा इससे तो आपको अभी बताते हैं। देखिए जर्नल वालों का, अगर असम से थे आप लोग जर्नल वाले, जब मैं लड़कों का बता रहा हूँ और जर्नल एरिया का बता रहा हूँ, अगर आपका बॉर्डर या नक्सली एरिया है तो इससे कम ही रखना। जब मेल का बता रहा हूँ, फीमेल का नहीं बता रहा, जितनी भी फीमेल, अगर बहुत चाहती हैं कि वीडियो बनाए मैं, तो आप कमेंट में फीमेल लिख देना, मैं बना दूंगा। जी जर्नल एरिया, ठीक है, ये कट ऑफ बता रहा हूँ मैं जो फिजिकल के लिए गया है, और फाइनल कितना जाएगा नीचे बताऊंगा, सभी राज्यों का बताऊंगा। तो आप सब पहले देखिए कि किस राज्य में कितना कितना कट ऑफ जाता है, आप अपना भी देखिए और बाकी राज्यों का भी देखिए, ध्यान से देखिए, आसान भाषा में समझाऊंगा। तो देखिए अगर आप असम से हो तो 69 आपका गया है फिजिकल के लिए गया था, अब कितना जा सकता है देखिए दोस्तों, अब आपका जाएगा लगभग, मैं आपको बता दूं 80-85 के बीच आपका कट ऑफ रहेगा फाइनल जनरल वालों का, मेल का। बात करें ओबीसी की, 66 का गया है फिजिकल के लिए, आपका लगभग 78 से लेके 79 के बीच बीच रहेगा, ठीक है, ये कट ऑफ आपका रहने वाला है। क्या आपको लगता है कि इतना कट ऑफ आपका रहेगा या नहीं, आप 70 अपनी कमेंट में बताइए। और एससी की बात करें, 64 का गया है, लगभग 70 के आसपास आपका रहने वाला है, 70-75 के आसपास रहेगा, ठीक है, इससे ऊपर नीचे हो सकता है, इतना अनुमान है। एसटी की बात करें, 62 गया है, लगभग 68-71 तक जा सकता है। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 50 का गया है, तो 60 के आसपास, 60 से प्लस ही जाएगा, फाइनल बता रहा हूँ। अगर आपके इतने नंबर ऊपर सेफ हैं तो आप मजे से ऐश कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं बिहार की, देखिए बिहार में काफ़ी हाई कट ऑफ गया था पहला ही, ये पहला कट ऑफ है फिजिकल के लिए, तो जनरल वाले लड़के, ठीक है, जिनका जनरल कास्ट है, जनरल एरिया है, तो अगर आपका कोई और एरिया है तो इससे नंबर कम रखना थोड़े, ठीक है। बात करें तो बात करते हैं जनरल का, 125 का आपका फिजिकल के लिए गया, फाइनल कितना जाएगा, लगभग 130-135 के बीच बीच आपका फाइनल चला जाएगा, और सेम आपका इतना ही रहेगा दोस्तों, 130-135 के बीच आपका ओबीसी का, दोनों का सेम गया है तो इतना ही कट ऑफ आपका ऊपर जाएगा, क्योंकि मैरिड फिजिकल वगैरह टफ हुआ है, ठीक है। एससी की बात करें, 105 का गया है, ठीक है, कट ऑफ आपका दौड़ के लिए, और कितना जाएगा, 110-112 के आसपास आपका फाइनल भी चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एसटी की, 121 का गया है, ठीक है, तो लगभग 126-130 के आसपास इसका भी चला जाएगा, इसका अनुमान है, ये अनुमान है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, 120 का आपका फिजिकल के लिए गया था, और लगभग 126 के आसपास, 127-128 के आसपास फाइनल चला जाएगा, ये है बिहार का। आपको क्या लगता है, आप इस कट ऑफ से सहमत हो या नहीं, तो कट ऑफ का राय आप जरूर बताएं कमेंट में। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ के, बात करें जर्नल का, तो 96 का गया है लड़कों का, तो फिजिकल के लिए गया था, तो लगभग 102-103-104 के आसपास फाइनल भी चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ओबीसी वाले, इनका 117 का गया था, तो लगभग 123-125 के आसपास फाइनल चला जाएगा इनका।
और एससी वालों का 190 का गया था, सॉरी 90 का गया था, तो लगभग 100 के आसपास इनका फाइनल भी चला जाएगा। उसके बाद आपका 83 का गया था एसटी वालों का, छत्तीसगढ़ के लड़कों का, तो लगभग 90+ इनका भी जाएगा, ठीक है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 46 का गया है, तो 55 के प्लस आपका जाएगा, 55+ ही आपका कटा हो जाएगा, इसका इतना अनुमान लगाया जा रहा है। आगे बात करते हैं दोस्तों दिल्ली की। दिल्ली का जनरल वालों का फिजिकल के लिए गया था 125 का, और 135+ अनुमान लगाया जा रहा है कि दोस्तों फाइनल जाएगा। 118 का ओबीसी का गया है, और लगभग 123 के प्लस अनुमान लगाया जा रहा है ओबीसी का। एससी का 124 का गया हुआ है, ठीक है, फिजिकल के लिए, और 128 130+ अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद एसटी का, उसके बाद एसटी की बात करें तो दोस्तों एसटी का दिल्ली का 106 का गया है, लगभग 112 115 के प्लस अनुमान लगाया जा रहा है। ओबीसी की बात करें तो सेम 106 का गया है, तो लगभग 115 का अनुमान लगाया जा रहा है, इससे प्लस आपका कट ऑफ रहेगा। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, अपने राज्य का जरूर देखना है, ठीक है। सभी राज्यों का मैं कवर करूंगा, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है मगर पूरी देखनी है। उसके बाद बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात का आपका कट ऑफ जा सकता है, देखिए फिजिकल के लिए गया था जनरल वालों का, जनरल एरिया के जनरल लड़कों का 90 का, तो लगभग 100+ इस बार आपका फाइनल का अनुमान है। और ओबीसी की बात करें तो 88 आपका फिजिकल के लिए गया है, और 95-95 का इस बार फाइनल का आपका अनुमान है। एससी की बात करें तो 89 का गया है, लगभग जे भी 100+ जा सकता है, और आपका एसटी का लगभग 78 गया है, तो लगभग इसका भी अनुमान है 90+ का, 90+ का जा सकता है। और ईडब्ल्यूएस का गया है 59 का, ये भी आपका लगभग 90+ का अनुमान है, इतना कट ऑफ रह सकता है। देखिए अगर आपके दोस्तों बात करें आपकी 10 नंबर या 5 नंबर या 6 नंबर है तो आप गड़बड़ी में रह सकते हो, आप 50-50 रह सकते हो। अगर 10-15 नंबर ऊपर हैं तो आप मान के चल सकते हो कि सिलेक्शन हो सकती है। बात करें ई डब्ल्यू हम हरियाणा की, हरियाणा की बात करें तो 135 का गया है, तो 140+ रहेगा जनरल वालों का। ओबीसी वालों का 134 का रहा है, तो जे भी 140+ होगा। एससी का 126 का गया हुआ है, तो लगभग जे भी 130 135 के आसपास रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करें तो दोस्तों एसटी की, तो एसटी कोटा नहीं रहता है इसमें, ठीक है, हरियाणा में, तो इसका कोई कट ऑफ नहीं गया हुआ है। और उसके बाद ईडब्ल्यूएस 133 का गया है, तो 140 141 का कोटा रहेगा फाइनल का। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो जनरल का 124 का फिजिकल के लिए गया है, ठीक है, तो फाइनल आपका रहेगा लगभग 135 के पार रहेगा। और ओबीसी वालों का गया है 120 का, तो 130 के आसपास रहेगा, ठीक है। और एससी का गया है 116, तो लगभग 124 125 के पार रहेगा, ठीक है। उसके बाद रहेगा एसटी का 124 का फिजिकल के लिए गया है, और लगभग 128 130 के आसपास फाइनल भी रह सकता है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का 117 का फिजिकल के लिए गया था, और 117 फिजिकल के लिए गया था, 123 124 125 के पार आपका फाइनल रह सकता है। उसके बाद बात करें जम्मू कश्मीर की, देखिए जम्मू कश्मीर की बात करें जनरल का गया है 78, ठीक है, तो लगभग मैं आपको बता दूं आपका 90+ रह सकता है। 90+ जितने भी लड़कों के नंबर हैं वो अपने आप को थोड़ा सेफ मान सकते हैं, ठीक है, इससे भी ज़्यादा हो सकता है, लगभग 100 के आसपास, 90 और 100 के बीच रहेगा। तो और ओबीसी वाले तो लगभग मैं आपको मान के बता सकता हूँ कि लगभग 70+ अगर आपके नंबर हैं तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। और एससी की बात करें तो 78 का फिजिकल के लिए गया है, और लगभग आप मान के चलिए कि 90+ नंबर आपके भी होने चाहिए। और एसटी का 60 नंबर है फिजिकल के लिए, फाइनल फिजिकल के लिए इतना गया था, और फाइनल के लिए लगभग 75 नंबर तो आपके होने चाहिए, सेफ मान सकते हो। और ईडब्ल्यूएस 86 आपका फिजिकल के लिए गया था, और फाइनल के लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अगर फाइनल के लिए आप मान के चलिए कि आपका 78 से 80 के बीच आपके अगर नंबर हैं तो अपने आप को सेफ मानकर आप खुशियाँ मनाइए, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद बात करते हैं दोस्तों झारखंड की, झारखंड की बात करें तो यर्नल का गया हुआ है 102 का, ठीक है, फिजिकल के लिए, और फाइनल के लिए जा सकता है 110 115 के पार, ठीक है। ओबीसी की बात करें तो 109 का गया हुआ है, तो आप फाइनल मान के चल सकते हो कि 115 120 के आसपास। एससी के लिए 18 का गया, 28 थोड़ी देखिए, एससी का गया है 80 का, 80 का, तो मान के चलिए 90 प्लस, ठीक है। और एसटी का गया है 87 गया हुआ है, मान के चलिए 89 88 100 के आसपास। और ईडब्ल्यूएस का 82 गया है, तो लगभग 90 प्लस आप मान के चलिए, 90 से 95 के बीच आप मान के चलिए, इतने सा तो जाएगा ही जाएगा। उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश की बात करें तो जनरल एरिया जनरल कैटेगरी के लड़कों का 133 का गया हुआ है फिजिकल के लिए, ठीक है, फिजिकल के लिए इतना गया हुआ है। बात करते हैं कि फाइनल क्या रहेगा, फाइनल आपका 140 प्लस हो सकता है, ठीक है, एक दो नंबर ऊपर हुए हो सकते हैं, एक दो नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। उसके बाद ओबीसी की बात करें तो 135 गया हुआ है, तो लगभग 140 के आसपास रहेगा। और एससी की बात करें तो 125 का गया हुआ है, तो 130 के आसपास रह सकता है। एसटी का 109 का गया हुआ है, 115 के आसपास, 116 117 रह सकता है। ईडब्ल्यूएस 126 का गया हुआ है फिजिकल के लिए, और फाइनल आपका 130 132 रह सकता है मध्य प्रदेश का। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की बात करें तो दोस्तों महाराष्ट्र का जनरल का लड़कों का गया हुआ है 105, ठीक है, तो 110 115 आप सेफ मान सकते हो। ओबीसी वाले 109 गया हुआ है, तो आप मान के चलिए आपका 115 के आसपास रहेगा, ठीक है, 115 116 117 के आसपास। उसके बाद एससी 101 का, तो 110 आप मान के चलिए कि सेफ मान सकते हो। एसटी का 91 का गया हुआ है, तो मान के चलिए कि आप 102 103 के आसपास सेफ हो। उसके बाद ईडब्ल्यूएस 99, लगभग 107 108 आप मान के चलिए कि आप सेफ मान सकते हो। पंजाब की बात करें तो पंजाब का जनरल का 85 गया हुआ है, तो लगभग 100 प्लस आप मान के चलिए कि सेफ है। उसके बाद ओबीसी का 79 का गया हुआ है, तो मान के चलिए 90 के आसपास आप सेफ मान सकते हो। एससी का 81 का गया हुआ है, तो लगभग मान के चलिए 90 जे भी मान सकते हो कि 90 के प्लस आप नंबर हैं तो सेफ मान सकते हो। एसटी नहीं होते हैं, इसमें भी एसटी कोटा नहीं रहता है पंजाब में। तो उसके बाद ईडब्ल्यूएस 90 ईडब्ल्यूएस 53 का गया हुआ है, तो लगभग 60 प्लस 61 62 63 के नंबर है तो सेफ मान सकते हैं। उसके बाद राजस्थान, राजस्थान की बात करें जनरल लड़के हैं जो 138 का उनका गया हुआ है पहले का ही, ठीक है, ऊपर कितने नंबर उठाए जाते हैं तो लगभग 140 142 के आसपास हो सकती है आपकी सिलेक्शन, या इससे ज़्यादा भी जा सकता है, ठीक है, इससे ज़्यादा भी जा सकता है। तो ओबीसी वालों का भी सेम रहेगा 140 142 के आसपास, एससी वालों का 128 का गया हुआ है, तो 135 136 के आसपास रह सकता है। एसटी का 132 का गया हुआ है, तो इसका भी लगभग 40 के आसपास रुकेगा। और सेम आपका ईडब्ल्यूएस का 132 का गया हुआ है, तो इसका भी 140 के आसपास रुक सकता है। उसके बाद दोस्तों आपकी बात करें तो दोस्तों उत्तराखंड की, तो 123 का आपका जनरल वालों का गया हुआ है, और लगभग मैं आपको बता दूं 130 के पार ही रुकेगा ये जाके। और ओबीसी वालों का 116 का गया हुआ है, जे भी 125 के पार ही रुकेगा। और एससी का 113 का गया हुआ है, जे भी 123 122 के आसपास ही रुकेगा। एसटी का 125 का गया हुआ है, जे भी 130 के आसपास रुकेगा। और ईडब्ल्यूएस का 120 के आसपास गया था, तो ये भी 25 के पार ही रुकेगा। और बात करें उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के क्या कहने भैया कट ऑफ में, देखिए जनरल वाले लड़कों का 139 का गया हुआ है, तो लगभग 145 के पार ही रुक सकता है, या 150 के आसपास भी जा सकता है। सेम ओबीसी वालों का हाल है, सेम आपका एससी वालों का है, लगभग 10-15 नंबर ऊपर रखो सभी, ठीक है, एसटी वाले भी, लगभग ईडब्ल्यूएस वालों के भी। उत्तर प्रदेश का मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि ये बंदे ही बहुत शेर बंदे होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, तो इनका कट ऑफ पहले बताना बहुत ही मुश्किल है। तो आप 10 से 15 नंबर ऊपर रखो तो आप सेफ मान सकते हो। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, कैसा रहा आपको कट ऑफ का वीडियो, जरूर कमेंट करके बताना।